नमस्कार दोस्तों, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग का हम लोग पार्ट देख रहे थे। ये आपका तीसरा पार्ट है। इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम लोग जानेंगे इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, अपने स्टेट को कैसे बदलता है, क्या बदल सकता है कि नहीं बदलता है, साथ ही साथ टेम्परेचर और प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये हम मैटर पे तो ये हम लोग जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि कैन मैटर चेंज इन स्टेट, तो मैटर क्या अपना स्टेट चेंज कर सकता है। तो आंसर है हाँ, मैटर जो हम लोग मैटर का तीन स्टेज जो मेनली पढ़े, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों अपना इंटरचेंज स्टेट को कर सकता है। जैसे कोई मैटर है जो कि सॉलिड स्टेट में है, वो अपना स्टेट चेंज करके लिक्विड में भी जा सकता है, वो अपना स्टेट चेंज करके गैस में भी आ सकता है, या फिर गैस से लिक्विड में भी आ सकता है, लिक्विड से वापस सॉलिड में भी आ सकता है, या फिर डायरेक्ट सॉलिड से गैसीय स्टेट में भी चेंज कर सकता है। इसका आंसर है हाँ। तो मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है, तो हाँ ये चेंज करता है। तो हम लोग मैटर का जो स्टेट है, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है, तो इसको हम लोग इंटरचेंज, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला है टेम्परेचर को चेंज करके हम लोग कर सकते हैं, और दूसरा है प्रेशर को चेंज करके हम लोग ये चीज कर सकते हैं, ये अचीव कर सकते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि टेम्परेचर को चेंज करके हम लोग कैसे मैटर के स्टेट को, जैसे सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, ऐसे कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी सॉलिड पे, ठीक है, अगर उसका हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, उसमें हीटिंग करते हैं, उसकी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो एक समय आने के बाद वो लिक्विड में चेंज कर जाएगा, ठीक है, और भी उसको लिक्विड को हम हीट करते जाएंगे तो फर्दर वो गैसेस स्टेट में चेंज कर जाएगा, ठीक है। ये सिंपल फेनोमेना। तो ऐसा क्यों होता है, पहले ये समझते हैं। जैसा कि हमने बताया कि मैटर्स जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिसको एटम और मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। अब उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है एटम्स और मॉलिक्यूल्स में, जिस पार्टिकल्स में, जिससे वो मैटर बना हुआ है, ओके। तो अब होता क्या कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, उसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, और उसकी वाइब्रेशन तेज हो जाएगी, उसकी मूवमेंट तेज हो जाएगी, और एक लिमिट आते हैं के बाद, जैसे सॉलिड है उसमें मूवमेंट, अगर उसको हम टेम्परेचर बढ़ाते गए, हीटिंग करते गए, उसके कारण उसका टेम्परेचर बढ़ते गया, टेम्परेचर बढ़ने से उसका जो वाइब्रेशन है वो बढ़ते गया, मूवमेंट है पार्टिकल का वो बढ़ते गया, बढ़ने के साथ क्या होगा कि वो अपना स्टेट सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने जो इसके पिछले वीडियो में जो डिफरेंस पढ़ाया था कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में ये डिफरेंस होता है कि उनके बीच का जो पार्टिकल का जो अट्रैक्शन होता है वो कम होते जाता है, उनके बीच का जो मोशन होता है, पार्टिकल का जो रिलेटिव मोशन होता है सॉलिड के कंपेरिजन में लिक्विड में ज्यादा होता है, उससे ज्यादा कंपेरिजन में गैसेस में ज्यादा होता है, तो उसी कारण उनका मोशन बढ़ता जाएगा, और एक ऐसा स्टेज आएगा कि ये चीज सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, मैटर का जो स्टेट है वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर उसका फिर से उसको फर्दर हीट करते चले जाएंगे तो वो गैसेस में चेंज हो जाएगा, ओके। तो पहला इसमें पॉइंट आता है मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड बाय हीटिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड हीट मेल्टिंग सॉरी तो जो मेल्टिंग का कंसेप्ट है ये कहता है कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, हमें वैसा प्रोसेस जिसमें कोई भी मैटर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, कैसे चेंज होगा, उसको हीटिंग करेंगे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब आप ओपन स्काई में, मतलब ओपन रूम में आप रख सकते हैं, जहां पे जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर आ रहा है, मतलब ओपन एयर में जो ट्रांसफॉर्म होगा उसको हम लोग मेल्टिंग कहेंगे। सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि किसी भी सॉलिड को हम लोग लिक्विड में बदल सकते हैं, उसको हीट करने पे नॉर्मल एयर प्रेशर जो है उस पे अगर रख के अगर हम लोग हीट करते हैं तो वो जो चेंज होता है उसको हम लोग मेल्टिंग कहेंगे, ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग कहेंगे, जिसको हम लोग फ्यूजन भी कहते हैं। अब आ जाता है पॉइंट कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो जिस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, ठीक है, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होगा ना, जैसे सॉलिड से लिक्विड में जब जाएगा, ठीक है, तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जिस पे कि ये अपना स्टेट चेंज करेगा, तो उस पार्टिकुलर टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग आइस क्यूब ले लेते हैं, ठीक है, आइस क्यूब का टेम्परेचर अगर हम लोग बात करें तो -10 -20 के आसपास है, उसको हम लोग फर्दर हीट किए, ठीक है, उसको हीट करेंगे नॉर्मल एयर में हीट करेंगे, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यहाँ पे जो बात हो रहा है, यहाँ पे नॉर्मल एयर की बात हो रही है, नॉर्मल एयर में हम लोग उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, 0 डिग्री जैसे ही आएगा वहां पे क्या होगा कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा, मतलब कि जो आइस है वो वाटर में चेंज हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस हुआ इसको मेल्टिंग या फ्यूजन प्रोसेस कहेंगे, और जिस टेम्परेचर पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह से जितना मैटर होता है,
जो भी वो अपना स्टेट चेंज करेगा, सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, तो वो जिस पॉइंट पे चेंज करेगा, जिस टेम्परेचर पे चेंज करेगा, वो उसका पार्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। सारे मैटर का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये एक कंसेप्ट है, याद रखने की चीज है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वाटर का, जैसे मैंने बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, वहीं अगर आयरन की बात करें, लोहा भी पिघल जाता है, तो वो 1538 डिग्री सेल्सियस पे आयरन भी मेल्ट कर जाता है। उसी तरह से वैक्स का अलग होता है, हर एक चीज का अलग अलग होता है, ये कोई याद करने की चीज नहीं है, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आप उसको देखते चलिए, अपने आप उसका रिमेम्बर हो जाएगा। अब अगला हम लोग बात करेंगे बॉइलिंग का। तो हम लोग सॉलिड से लिक्विड में जब चेंज किए तो उसको फ्यूजन या मेल्टिंग कहें, ठीक है। अब उसी लिक्विड को अगर हम लोग फर्दर हीट करेंगे तो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, नॉर्मल एयर में, तो उसको हम लोग बॉइलिंग कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं, वाटर है नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर मान लीजिए 35 डिग्री सेल्सियस पे, उसको हम फर्दर हीट करते हैं। हीट करते करते क्या होगा, एक बार जब वो 100 डिग्री पे पहुंचेगा उसके बाद क्या होगा, वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो ये जो चेंज हो रहा है, इस चेंजिंग को कहेंगे बॉइलिंग, ठीक है। और जिस पॉइंट पे हो रहा है, जिस टेम्परेचर पे, पॉइंट मतलब यहाँ पे जिस टेम्परेचर पे इसका जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो और इसका डेफिनेशन हो जाएगा बॉइलिंग का, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, ठीक है। प्रोसेस वैसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है बाय हीटिंग, हीटिंग करें एक्सटर्नल सोर्स से उसको हीट दे रहे बाय हीटिंग एट एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन है। बार बार यहाँ पे एटमोस्फेरिक प्रेशर इसलिए आ जा रहा है क्योंकि अगर हम लोग प्रेशर को अगर चेंज कर देंगे तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज कर जाएगा। इसलिए नॉर्मल जो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम लोग इसको लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 100 से। उसी तरह से हर चीज का, जितना भी लिक्विड चीज है वो जब बॉइल करेगा, उसको हीट करेंगे फर्दर, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आने के बाद वो गैसेस स्टेट में चेंज हो जाएगा हर एक चीज, ठीक है। तो हर एक चीज का वो उसका रेस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और जो पूरा जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे बॉइलिंग या वेपोराइजेशन, ठीक है। वेपोराइजेशन मतलब वेपर में चेंज होना, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर का भी एग्जांपल है, जैसे सॉलिड से लिक्विड हुआ, लिक्विड से वेपर, वाटर वेपर है मतलब, तो सॉलिड लिक्विड गैस, यहाँ पे हम लोग तीनों स्टेज को चेंज करते हुए पहुंच गए, ठीक है। अब ये उल्टा प्रोसेस भी होगा, जैसे हम लोग वाटर को सॉलिड से लिक्विड में किए, ठीक है, लिक्विड से गैसियस में किए, ठीक है। अब गैसियस से वापस लिक्विड में अगर हम लोग इसे करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन कहते हैं। ये हमारा अगला पॉइंट है, कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, ठीक है। लिक्विड से गैस में गए तो क्या किए थे, हीट किए थे, अब वापस गैस से लिक्विड में आ रहा था, उसको अब हम लोग कूल करेंगे, ठीक है। प्रोसेस वही रहेगा लेकिन पलट देंगे सिस्टम को पूरा को, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ गैस इनटू लिक्विड बाय कूलिंग एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना एटमोस्फेरिक प्रेशर वही होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल एयर होना चाहिए। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ गैस इनटू लिक्विड बाय कूलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज कंडेंसेशन, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि एक आइस वाटर अगर हम लोग लेते हैं ग्लास का, तो उसको हम लोग एक नॉर्मल टेबल पर रखते हैं तो उसके बाहर बाहर पूरा वाटर जम जाता है, ठीक है। तो हवा में जो एयर है, वाटर मॉलिक्यूल है, वो आ जा रहे हैं इसमें ग्लास पे और वो आके जम जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका कंडेंसर, एयर में जो वाटर वेपर गैसे स्टेट में था वो अब इसमें लिक्विड स्टेट में आ जाता है। यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि आपको कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन भी समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है कि जो कंडेंसेशन होगा वो भी बॉइलिंग पॉइंट पे भी होगा, मतलब कि कंडेंसेशन पॉइंट जैसा कुछ नहीं होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वही उसका कंडेंसेशन पॉइंट भी हो जाएगा। जैसे कि जितना टेम्परेचर पे लिक्विड गैसियस में बदला, उसी टेम्परेचर पे गैस से लिक्विड में भी बदलेगा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर अगर हम लोग बराबर प्रेशर रखते हैं, सेम प्रेशर रहेगा नॉर्मल कंडीशन में, तो 100 डिग्री पे वाटर बॉयल होके वेपर में बदला, और 100 डिग्री पे ही अगर हम उसको कूल डाउन करेंगे तो वेपर, मान ले 110 डिग्री सेल्सियस पे वाटर वेपर है तो वो 110 पे नहीं कन्वर्ट होगा, वो धीरे धीरे पहले टेम्परेचर कम होते होते 100 होगा, 100 के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा सीधे लिक्विड में, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितना जो भी बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी मैटर का, वही उसका कंडेंसेशन पॉइंट भी हो जाता है। अब बात करते हैं फ्रीजिंग का या सॉलिडिफिकेशन का, सिमिलर प्रोसेस है। अब हम लोग लिक्विड में आ गए थे, लिक्विड से वापस सॉलिड में आने का जो प्रोसेस होगा उसको फर्दर कूलिंग करेंगे, इसको हम लोग फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, ओके।
तो सॉलिडिफिकेशन का डिफिनेशन ये हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड। ठीक है, लिक्विड से यहाँ पे हम लोग सॉलिड में जा रहे हैं, बाई कूलिंग एट एटमोस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। अगेन जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वही इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, किसी भी मैटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वही इसका फ्रीजिंग होगा, जिस टेम्परेचर पर वो मेल्ट किया था उसी टेम्परेचर पर वापस वो फ्रीज करेगा। जैसे कि इन केस अगर वाटर का एग्जांपल लें तो 0 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट है वाटर का भी और फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री ही है, तो कहीं आ जाए तो इस तरह का कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, तो उसमें घबराना नहीं है, सेम होता है। ठीक है, जिस प्रोसेस पे सॉलिड से लिक्विड बदलेगा या लिक्विड से सॉलिड जाएगा सेम होगा, जैसे कि मेल्टिंग प्रोसेस और फ्रीजिंग प्रोसेस 0 डिग्री सेल्सियस दोनों का सेम होगा, कहने के लिए हम लोग जनरल भाषा में मेल्टिंग पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, उसी तरह से जो सॉलिड जो लिक्विड से जो गैसियस में बदला वेपराइजेशन, ठीक है, और गैसियस से वापस से लिक्विड में आया लिक्विफिकेशन, दोनों सेम होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक और प्रोसेस आता है सब्लिमेशन। यहाँ पे हम लोग सॉलिड से लिक्विड गए, लिक्विड से गैस गए, वापस लिक्विड से सॉरी वापस गैस से लिक्विड में आए, लिक्विड से वापस सॉलिड में, लेकिन एक और प्रोसेस यहाँ पे आ जाता है सब्लिमेशन, जिसमें लिक्विड स्टेट को बाईपास करके डायरेक्ट कोई भी मैटर अगर सॉलिड से गैसियस स्टेट में ट्रांसफर हो जाता है या गैसियस से वापस रिवर्सिबल प्रोसेस में गैसियस से वापस कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड स्टेट में, तो इसको सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ मैटर्स में ऐसा देखा जाता है, ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है। द चेंज ऑफ, इसका डेफिनेशन की अगर बात करें, द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, वाइस वर्सा, मतलब कि उसका उल्टा भी। ठीक है, अगर कोई सॉलिड से गैस स्टेट में चेंज हो रहा है या गैस से वापस सॉलिड स्टेट में कोई मैटर चेंज हो जा रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ड्राई आइस, मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस स्टेट में रहेगा एयर में, उसको अगर फ्रीज करेंगे ठंडा करेंगे तो वो डायरेक्टली ड्राई आइस मतलब सॉलिड स्टेट में बदल जाएगा, उसे अगर वापस अगर हीट करेंगे ड्राई आइस का तो वो लिक्विड में चेंज नहीं होगा, वो डायरेक्टली चेंज हो जाएगा गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके, अब एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं कैम्फर का। कैम्फर जो कपूर घर में यूज करते हैं वो भी मेल्ट नहीं होता, वो भी डायरेक्ट अगर उसको हम लोग हीट करेंगे तो सॉलिड से गैसेस स्टेट में। और एग्जाम्पल है नेप्थेलिन बॉल्स जो होते हैं, ठीक है, उसका भी वो भी सब्लिमेशन शो करता है, उसका साथ साथ अमोनियम क्लोराइड भी हमारा सब्लिमेशन शो करता है। अमोनियम क्लोराइड सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस में चेंज हो जाता है। ओके, और वापस उसी तरह रिवर्सेबल प्रोसेस में गैस से भी वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है सॉलिड में। अब हम लोग जो ये जो तीनों पांचों स्टेज पढ़े, जो मेल्टिंग और जो बॉइलिंग और वेपराइजेशन कंडेंसेशन और ये सब है सब्लिमेशन, इसको समराइज कर दिया गया है इस टेबल में, तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सॉलिड यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन भी किया हुआ है, इसके एटम पूरे इंटैक्ट है, यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड के एटम थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे है, थोड़ा मूवमेंट हो सकती है इसमें। उसके साथ साथ गैस की अगर बात करें तो यहाँ पे भी मोर फ्रीली ये लोग घूम सकते हैं, इसके पार्टिकल्स एटम मॉलिक्यूल जो गैस करेंगे मोर फ्रीली आराम से घूम सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सॉलिड से अगर हम लोग लिक्विड में जाना है तो फ्यूजन प्रोसेस से, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड चले जाएंगे, और जो लिक्विड से सॉलिड में आने का प्रोसेस उसको हम लोग सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। ओके, उसी तरह से लिक्विड से गैस में अगर हम लोग जाना है तो उस प्रोसेस को हम लोग वेपराइजेशन कहते हैं, वेपर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह से गैस से लिक्विड में आता है तो कंडेंसेशन कर देते हैं, गैस स्टेट से डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में आने को प्रोसेस हो जाता है कंडेंसेशन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग अगर सॉलिड से गैस में जाना है डायरेक्टली, ठीक है, तो उसको सब्लिमेशन करते हैं, चाहे वाइस वर्सा दोनों प्रोसेस को इसको हम लोग सब्लिमेशन करते हैं। तो ये इस पूरे का समराइज हो गया, इंटर कन्वर्सन ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सबस्टांस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, ठीक है, वाटर सुगर एंड ऑक्सीजन। ओके, तो तीन पार्टिकल दिए हुए हैं, तो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जो बढ़ते हुए क्रम में इसको सजाना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे कम अट्रैक्शन किस में होगा, तो सबसे कम अट्रैक्शन होता है गैसीय स्टेट में, तो गैसीय स्टेट है यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन ऑक्सीजन गैसीय स्टेट में रहता है तो ऑक्सीजन सबसे लो पे हो जाएगा, उसके बाद वाटर क्योंकि लिक्विड स्टेट है, उसके बाद सुगर क्योंकि ये सॉलिड स्टेट, तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले ऑक्सीजन, उसके बाद वाटर, उसके बाद सुगर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, क्योंकि सॉलिड में सबसे अधिक होता है और गैसेस में सबसे कम होता है, तो फिर उसे आपसे सजा देंगे। अगला क्वेश्चन की बात करें, गिव रीजन नेप्थेलिन बॉल डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। ठीक है, तो ये डायरेक्टली चेंज हो जाता है, जैसे सब्लिमेशन जो प्रोसेस है
इस प्रोसेस के आधार पे ये सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैसेज स्टेट में, इसीलिए नेप्थलीन रॉड डिसअपीयर हो जाता है। अब हम लोग तो टेम्परेचर का इफेक्ट तो पढ़ ही लिए, अब हम लोग प्रेशर का इफेक्ट पढ़ते हैं कि प्रेशर से कैसे स्टेट चेंज होता है, सॉलिड लिक्विड गैस कैसे हम लोग चेंज करेंगे मैटर का स्टेट को बाय द चेंज इन प्रेशर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो सॉलिड और लिक्विड में कोई खास चेंज नहीं होता है सॉलिड से लिक्विड, या क्योंकि ये जनरली प्रेशर पे इनका इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, इफेक्ट पड़ता है गैसेस स्टेट में, गैसेस को अगर हम लोग कंप्रेस करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट और समटाइम सॉलिड स्टेट में भी ये कन्वर्ट हो जाता है। अब ये प्रोसेस होता कैसे, ये थोड़ा सा ब्रीफ हम लोग हल्का सा समझ लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं गैसेस स्टेट होता है उसमें जो एटम्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, उनके बीच में स्पेस काफी ज्यादा होता है, ठीक है। उसका अगर लिक्विड बात करें तो उससे कम स्पेस होता है, ठीक है, उतना मूव फ्रीली मूव नहीं कर पाता है लिक्विड, लेकिन मूवमेंट होते हैं और उसके बीच में स्पेस भी होता है। और अगर हम लोग सॉलिड स्टेट की बात करें तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता बीच में, मतलब मिनिमम स्पेस होता है और उनका मूवमेंट ना के बराबर होता है, उसके कारण वो सॉलिड स्टेट ना रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक पिस्टन का एग्जाम्पल लिया और यहाँ पे हम लोग कुछ गैसेस है यहाँ पे, उसको हम लोग यहाँ पे प्रेस करना स्टार्ट करेंगे सिलेंडर में, ठीक है। थोड़ा प्रेस ज्यादा प्रेस बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो गैसेस स्टेट है वो कंप्रेस होने के कारण ये लिक्विड में चेंज हो गया, क्योंकि इसके जो बीच का जो एटम्स के बीच का जो दूरी है वो कम होते जा रहा है और ये लिक्विड प्रॉपर्टी का शो करता है, इसके कारण ये पूरा पूरा लिक्विड में चेंज हो जाएगा। फर्दर अगर हम इसको प्रेस करते जाएंगे तो ये सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा। अगर इफेक्ट ऑफ गैस की बात करें, बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिडक्शन इन टेम्परेचर ऑफ द गैस, प्रेशर भी बढ़ाते जाना है साथ साथ इसका टेम्परेचर भी अगर हम लोग इसका कम करते जाएंगे तो गैस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड स्टेट में और कभी कभी ये सॉलिड स्टेट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो ड्राई आइस को, तो अगर एयर को जो सॉलिड गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड उसको हम लोग पिस्टन में डाल सिलेंडर में डालकर अगर पिस्टन से उसको हम दबाते चले जाएंगे और टेम्परेचर भी धीरे धीरे उसका कूल करते जाएंगे तो वो धीरे धीरे ड्राई आइस में सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इस तरह सीएनजी है, सीएनजी गैस जो होता है जो हमारे कार्स और बाइक्स और बसेस में भरे जाते हैं उनमें भी यही होता है, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका नाम ही है कंप्रेस्ड गैस नेचुरल गैस सीएनजी का, ठीक है। तो नेचुरल गैस जो मीथेन होता है उसको हम लोग कंप्रेस कर देते हैं, इतना कंप्रेस कर देते हैं कि वो लिक्विड स्टेट में चेंज है। सिमिलरली पीएनजी है, सिमिलरली एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो पेट्रोलियम गैस निकलता है उस फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के पेट्रोलियम को साफ करने से, तो उसको हम लोग कंप्रेस करते हैं, वो जो कुकिंग सिलेंडर होता है उसमें एलपीजी होता है तो उसको हाई प्रेशर पे प्रेस किया जाता है ब्यूटेन गैस को तो वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, ठीक है। उसी तरह से अगर एग्जांपल है लिक्विड नाइट्रोजन का, लिक्विड नाइट्रोजन आप लोग जानते होंगे, तो लिक्विड नाइट्रोजन में एयर को भी कंप्रेस किया जाता है जिसमें से बाकी ऑक्सीजन और बाकी चीजें को हटा दिया जाता है, उसके बाद जो एयर बचता है जो कि प्योर लगभग नाइट्रोजन होता है उसको हम लोग कंप्रेस करते जाते हैं तो वो लिक्विड नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। साथ साथ कंप्रेस भी करना है, साथ साथ टेम्परेचर भी लो करना है तो प्रेशर के कारण स्टेट चेंज हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, वीडियो आपको कैसा लगा, इसका नेक्स्ट वाला पार्ट में हम लोग टेम्परेचर का जो कन्वर्सन होता है वो वाला देखेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट पे आप क्लिक करके नेक्स्ट पार्ट में भी आप लोग जा सकते हैं।